नमस्कार। 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक श्री नाथद्वारा में मुरारी बापू की रामकथा के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। मगर इस कार्यक्रम के समापन के बाद से ही तीन प्रश्न बड़ी सुर्खियों में थे, तीन जिज्ञासाएं बड़ी सुर्खियों में थी, और वो जो तीन जिज्ञासाएं थी, आज कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तीनों के समाधान, उनके जवाब आप तक लेकर आए। जो पहला सवाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में था वो ये था कि जो उस कार्यक्रम के दौरान शाम के जो प्रोग्राम थे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि एक कैलाश खेर का भजन संध्या थी, भक्ति संध्या थी, और एक कुमार विश्वास के साथ कवि सम्मेलन था। ये दोनों कार्यक्रम उस वक्त भगदड़ और अव्यवस्था के कारण निरस्त किए गए, तो वो पुनः कब होंगे, पहली जिज्ञासा ये थी। दूसरा प्रश्न ये भी था कि ये शिव प्रतिमा कब से सभी लोगों के लिए इसमें प्रवेश उपलब्ध होगा, और तीसरा जो एक विषय हल्के फुल्के विवादों का उस वक्त दौर भी रहा कि शिव प्रतिमा के ऊपर जाकर जलाभिषेक करना, ये कहाँ तक, कितना क्या इसकी व्यवस्थाएं रहने वाली है। तो ये पहला प्रश्न, हालांकि जो संस्थान है वो इसकी पुष्टि नहीं करता है, मगर लगभग ये पुष्ट है, और सोशल मीडिया पर भी ये खबरें तैर रही है, कुछ लोगों से हमने बात भी की, तो ये तमाम चीज़ें जो इशारा कर रही है। तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दो होने बाकी रह गए थे, उसमें पहला कार्यक्रम 3 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें कि कैलाश खेर अपने उस बड़े ही बेहतरीन अंदाज के साथ भक्ति गीतों का एक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, भजनों के माध्यम से हर एक हृदय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कवि सम्मेलन, जिसमें कि कुमार विश्वास और उनके साथ फिर जॉनी बैरागी है, बुद्धि प्रकाश दादीच है, राजसमंद के सुनील व्यास हैं, कानू पंडित है, गिरीश जी विद्रोही हैं, ये तमाम नाम इस कवि सम्मेलन में रहने वाले हैं। ये कार्यक्रम बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को तय है, मगर एक बदलाव है, और बदलाव हालांकि बड़ा बदलाव है, मगर जो उस वक्त अव्यवस्थाएं हुई थी, जो जितना संख्या से ज़्यादा, अनुमानित संख्या से ज़्यादा लोग आ गए थे, तो शायद उन तमाम चीज़ों को नियंत्रित करने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है, और फैसला होता है कि इस बार ये कार्यक्रम सशुल्क होंगे। हालांकि जो सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स चल रहे हैं, जो खबरों के माध्यम से बताया जा रहा है, 1100 रुपये इनकी एंट्री फीस होने वाली है दोनों ही कार्यक्रम के लिए। अगर प्रथम दृष्टया देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख और 10 तारीख को ये कार्यक्रम होते हैं, अब इनका फाइनल स्वरूप कैसा रहता है, जल्दी ही 2-3 दिनों में इन खबरों की पुष्टि भी हो जाएगी। मगर 3 और 10 को कैलाश खेर और कुमार विश्वास का कार्यक्रम तय है, 1100 रुपये एंट्री फीस में अभी तक बताई जा रही है, अगर जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है उनका विश्वास करें तो। फिर आता अगला सवाल कि इसमें एंट्री कब से शुरू हो जाएगी, तो ये पार्क है, इसकी एंट्री की तो राशि भी लगभग सामने आ गई है, 200 रुपये इसकी राशि रहने वाली है। इसके माध्यम से आप जो इसका परिसर है, उस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, उस परिसर में आप आनंद ले सकते हैं, मगर जो शिव प्रतिमा है जिसका बताया जा रहा है कि उसका दर्शन कब कर सकते हैं, उसके भीतर जाने की व्यवस्था क्या रहेगी, तो ये व्यवस्था अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं है, मगर नाक बताई जा रही है 27 दिसंबर, बताया जा रहा है कि ये तय है लगभग 27 दिसंबर। अगर 27 दिसंबर नहीं है तो इससे एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मगर लगभग तय है कि 27 दिसंबर से ये प्रतिमा के दर्शनार्थ तमाम भक्तों के लिए, तमाम श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और उसकी जो राशि है वो अभी पूरी तरह से सार्वजनिक तो नहीं हुई है, मगर बताया जा रहा है कि अच्छी खासा अमाउंट उसका भी होगा, 1100 रुपये के आसपास की अनुमानित राशि होने की संभावनाएँ हैं। तो 27 दिसंबर से ये सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा, 200 रुपये पार्क में प्रवेश की राशि रहेगी। अब आता है तीसरा सवाल, और तीसरा जो कि बड़ा ही एक सुर्खियों में रहने वाला विषय था कि शिव प्रतिमा के भीतर जाना और फिर उसमें जलाभिषेक करना, तो बताया जा रहा है, जो खबरें हम तक पहुंची है, तो शिव प्रतिमा के पैरेलल एक लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है, एक ऐसा माध्यम बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से उस लिफ्ट के होते हुए वो शिव प्रतिमा तक पहुंचे और वहीं से जलाभिषेक किया जा सके। तो इस व्यवस्था के माध्यम से कोशिश की जा रही है, जो कि अभी हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है, मगर आप मान के चलिए कि ऐसी एक व्यवस्था वहां बन रही है, ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है, ताकि जो एक विषय आया था जिसमें कि काफ़ी किंतु परंतु भी थे कि शिव प्रतिमा के ऊपर जाना और फिर उस पर जलाभिषेक करना कितना उचित, तो शायद इन तमाम प्रकार के जो किंतु परंतु से बचने के लिए, उनको टालने के लिए, या फिर भावनाओं का सम्मान,
एक पैरेलल व्यवस्था बनाई जा रही है, और उस व्यवस्था के माध्यम से, उस लिफ्ट के माध्यम से तमाम श्रद्धालु जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये तीनों ही सवालों के आपके मोटा मोटी जो संभावनाएं और जो सुर्खियां सर्वाधिक सवाल बटोर रहे थे, वो तीनों ही प्रश्नों के जवाब कि दोनों ही कार्यक्रम कब होंगे, फिर उनमें सशुल्क होंगे, ये दर्शनार्थ प्रतिमा कब से प्रारंभ हो जाएगा, वो भी आपको बता दिया। और हालांकि ये एक अफसोस का कारण हो सकता है कि अगर उसी वक्त कार्यक्रम हो जाते तो सभी लोग निःशुल्क उसका आनंद ले लेते, मगर जिस प्रकार की संख्या उस वक्त आई उसको देखते हुए ये राशि तय की गई है, तो अब ये विचार करने वाली बात भी है कि इतनी राशि देकर कितने लोग आ पाएंगे, और इस राशि की बात को सुनकर, इस राशि को सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और जब ये खबरें पूरी तरह से बिल्कुल एक संस्थान के माध्यम से पुष्ट स्वरूप में आएगी, तब हम उनको वापस साझा करेंगे। और आपको ये पूरे स्वरूप को सुनकर आपको कैसा लगता है, वो आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।